हाँ जी, तो खुशी देख रहे हो चेहरे पे। आज मैं खुश हूँ क्योंकि मम्मी आने वाली है। मैं रहता हूँ नोएडा में और मम्मी हरियाणा में, तो बहुत कम टाइम मिलता है उनके साथ रहने का, लेकिन आज वो यहीं आ रही हैं मेरे पास, तो चलो उनको लेने चलते हैं। मुझे याद है लास्ट टाइम जब वो आई थी मेरे पास गाड़ी नहीं थी, तो इस बार मैं उनको मेरी गाड़ी में ही घुमाने वाला हूँ। तो अभी टाइम हुआ है 11:46 एंड अभी मम्मी को एक घंटा और लगेगा और मुझे यहाँ से जाने में आधा घंटा लगेगा। बाय द वे, सफाई मैंने कर ली, पंखा वंखा सब साफ कर लिया, भाई पिटाई थोड़ी करवानी है। मैंने अगले 3 दिन का सब कुछ पहले ही प्लान कर लिया है कि क्या क्या करना है ताकि अच्छे से एंजॉय कर पाए। यार इतनी ज्यादा गर्मी है ना आज ही सारी गर्मी पड़नी, तो उनको आने में अभी टाइम है, मैं तब तक कुछ ठंडा पी लेता हूँ। और फाइनली वो आई एंड माँ को देख के तो सुकून ही मिल जाता है। फिर हम चलते चलते काफी सारी बातें कर रहे हैं, गर्मी बहुत ज्यादा थी तो हमने सोचा कि कुछ पी लेते हैं फिर से। वही आज का हमारा प्लान है, अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद शाम को जाएंगे मूवी देखने, गदर मूवी, गदर टू। लो जी, हम पहुंच गए हैं। तो इससे पहले मम्मी आई थी 1.5 साल पहले ना, पूरा यहाँ घूमी थी हमारे साथ। पहुंच गया भाई? पहुंच गया बेटा। दिखा सियारा फोन, दिखा, ये फोन है इसका। ये बाइक का पैडल है भाई। तो भाई आज वसुंधरा चाय बनाने वाली मम्मी के लिए पहली बार बनाऊंगी। अच्छे से बनाना, नाक मत कटना। आज तो तुझे बनाना चाहिए वैसे। मैं बना देता हूँ। तो भाई घर से आज मम्मी लेके आई है खूब सारे पराठे, तो हम तीनों पराठे खाने वाले क्योंकि वही घर वाले ही बेस्ट होते हैं। गाइस, हम चाय तो बहुत करते हैं बट असली परीक्षा आज है, आज देखते हैं मैं चाय कैसे बना पाती हूँ। अच्छी बनाना है, अच्छी बनाती है तू वैसे, बट पता नहीं ना आज हमेशा ऐसा होता है कि जब कुछ जब बनानी होती है ना किसी को दिखाने के लिए, खराब ही बनती है। और दूध उबल के ना नीचे गिर जाते हैं। थोड़ी ज्यादा ही, हरियाणा वाले ज्यादा ही पीते हैं। हरियाणा वाले तो बहुत ज्यादा चीनी पीते हैं। ये है मेरा एडिटिंग रूम, इस पर बैठ। मजा आया? दिस इज माय किचन, सुंदर सी लड़की काम करते हुए। पूल में चलेंगे भाई, मजा आएगा। हेलो जी, घर के पराठे इतने सारे भाभी ने बनाए हैं, थैंक यू भाभी। थोड़ी मसालेदार होगी, अच्छी है पास। अभी शाम हो गई है, 6 बज गए। अभी मैं सोच रहा हूँ मम्मी को लेके जाऊँ पेडिक्योर के लिए, थोड़ा रिलैक्स करेंगी और मज़ा आएगा। को भी कराना है क्या पेडिक्योर? मैं फुट मसाज कराऊंगी। मैंने कल कराया भाई। पेडिक्योर चलो, पता लड़के भी पेडिक्योर कराओ। लड़के कराते हैं भाई, लड़के पेडिक्योर नहीं करा देगा, नहीं करा देगा। तो जी अभी नेक्स्ट चीज है मूवी गदर 2, मजा आएगा गदर 2। ये हाँ जी, तो बताओ मूवी कैसी लगी? मजा आया। सेकेंड डे और आज हम आए हैं वर्ल्ड्स ऑफ वंडर, यही नाम है क्या, वर्ल्ड्स ऑफ वंडर, एंड 3 टिकट मैंने ले लिए हैं ऑनलाइन। लास्ट वीक भी आया था मैं, इस बार सोचा मम्मी के साथ आता हूँ। तो ले से खुदा दे मम्मी ना भाई। क्यों, दोनों साथ में डर जाएंगे? कर लेंगे आराम से। अभी हम आए हैं वापस वाटर पार्क से, भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मम्मी को आज खतरनाक वाली एक राइड ट्राई की हमने तीनों ने साथ बैठ के, मज़ा आया। अच्छा आज ज़्यादा मज़ा आया, कल मूवी देखने और मसाज भी, कल ज़्यादा मज़ा आया। अब बदल गए, कल ज़्यादा पैसे लगे हैं ना। वही है आज थक गए। हाँ, कल मसाज में मजा आया था। मसाज में तो आते ही भाई है? कल पैर तो ठीक हो गए होंगे ना एकदम? कल तो ठीक थे, आज फिर दर्द। अभी खाना पीना खा के वापस आ गए हैं एंड रात को फिर से सोच रहे हैं फिर से निकल जाएंगे। फिर दिन लगातार घूमते हुए, आज हमारा प्लान था वृंदावन का। सुबह 6 बजे का अलार्म लगाया मैंने, फिर मम्मी बोलती है भाई सोने दिन नींद आ रही है,
वो हो गया कैंसिल. फिर हमने सोचा कि चलो मॉल ही घूम लेते हैं. ये क्या पहना है वसु आज? अलग ही कूल लग रही है. सब देख रहे थे तेरे को पीछे, पता है आंटी ऐसे मुड़ मुड़ के. कौन गया अभी? मम्मी और वसुंधरा को मैंने भेज दिया वोटिंग के लिए. अब ये पूरे मॉल का एक राउंड लेंगे और फिर वापस आएंगे यहाँ पे. और ये था टाइम मम्मी के वापस जाने का. 3 दिन कैसे बीत गए पता भी नहीं चला. बहुत ज़्यादा मज़ा आया. एंड यही थी वीडियो गाइज. अब इसको यही ख़त्म करते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.